हरे कृष्णा, आज का टॉपिक है डेली रीड 2 मार्च। पहला कार्ड है चॉइसेस। तो ये दिन आपके हाथ में है, बहुत सारे चॉइसेस आप खुद के लिए चूज कर सकते हैं। कब क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ करनी है, कब करनी है, ये फैसला आपके हाथों में है। बहुत सारे चॉइसेस आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि मानो हर दिन आप एक काम करते हैं, मानो आप ऑफिस में जाते हो और जो भी काम आपको दिया जाता है वो आप करते हो। लेकिन आज शायद आपको ऐसी सहूलियत मिलेगी कि जो काम आपको पसंद है उस काम को आप चूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं इस काम को प्रेफरेंस दूंगा, मैं इस चीज़ को प्रेफरेंस दूंगा। या आप अपने दिल के हिसाब से जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारा फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है। तो किस तरह से दिन को और अच्छा बनाना है और बेहतरीन बनाना है, ये आपके हाथ में है। तो बेहतरीन परिणाम लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस दिन को संभालें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। नेक्स्ट कार्ड है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में। शायद किसी पर्सन के बारे में आप ज़्यादा फील कर सकते हैं, शायद आपको थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस हो सकता है। आप उनसे दोस्ती करना चाह सकते हैं, आप चाह सकते हैं कि वापस से अगर आप में कोई दरार आ चुकी है तो वो दरार टूट जाए और वापस से आप दोस्त बन जाए। आप उनके बारे में ज़्यादा ख्यालात कर सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं और चाह सकते हैं कि इमोशनली आप वापस से एक हो जाएं। तो इससे बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं और एक दूसरे के प्रति आपका जो प्यार है, आपका जो लगाव है वो और बढ़ सकता है। तो इससे बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं और आप किसी इंसान के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। थर्ड कार्ड है जनरस। तो आप जनरस हो सकते हैं। मानो किसी को हेल्प करनी है तो आप तहे दिल से हेल्प करना चाह सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप वो चीज़ उसको सहूलियत करदा दे सकते हैं या फिर उसको दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप चाह सकते हैं कि किसी का अच्छा हो, किसी के बारे में आप अच्छा सोच सकते हो, किसी को आप अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हो, किसी को आप जितनी हो सके उतनी हेल्प कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, होल्ड माय हैंड। तो आपको किसी चीज़ की तलाश है, किसी साथी की तलाश है, किसी इंसान की तलाश है, किसी व्यक्ति का तलाश है और आप ढूंढने जा रहे हो, आप आगे निकल चुके हो। जिनसे आप प्यार करते हो उनसे आप कह रहे हो वापस से कि होल्ड माय हैंड, आई नीड यू। तो ये जो एक सेंटेंस है यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है और आप कह रहे हैं कि होल्ड माय हैंड, आई नीड यू इन माय हार्ट, आई नीड यू इन माय लाइफ। तो एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही खूबसूरत मीनिंग निकलती है इस सेंटेंस की। और आप कह रहे हैं कि होल्ड माय हैंड, तो एक एंजेलिक जैसा एक गाइडेंस आपको मिल सकता है। और किसी इंसान के प्रति, किसी के प्रति आपके दिल में लगाव हो सकता है और इस लगाव के कारण ही आप कह सकते हैं कि होल्ड माय हैंड। बहुत सारी गलतियां होती हैं, कई बार हमसे होती है, कई बार दूसरों से होती है, कई बार दोनों की होती है, लेकिन गलतियों को भुला के ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन कई बार हम उन गलतियों को लेकर साथ में चलते हैं और उसका परिणाम ऐसा होता है कि हम दिन जो है वो अच्छे से जी नहीं सकते। दिल में कुछ ना कुछ कश्मकश चलती रहती है और हम कहते हैं कि कुछ तो है जो मुझे अंदर से खा रहा है, जो मुझे अंदर से सता रहा है। और ऐसे में इम्पॉर्टेंट बात है कि हम किसी को कह रहे हैं कि होल्ड माय हैंड, तो ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, प्यार हो सकता है, भाईचारा हो सकता है, जिसमें आप कह रहे हैं कि जो भी गलती हुई है उन्हें माफ़ कर दो और एक साथ आगे बढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट कार्ड है आर यू फ्लिपिंग साइड। मतलब जो चीज़ आप करने को तैयार नहीं थे, क्या आज आप वो करने को तैयार हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमें एडवाइसेस मिलती हैं, दोस्तों की तरफ मिलती हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे मिलती हैं, रिश्तेदारों से मिलती हैं, घर वालों से मिलती हैं कि आप ऐसा करो। और कई बार हम कहते हैं कि हम आपकी क्यों सुने। तो इसमें क्या होता है कि कश्मकश चलती रहती हैं और ये जो दूरियाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं। लेकिन शायद आज ऐसा दिन आ सकता है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे आपकी बात सुननी है, आप क्या कह रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, किसी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि आपके घर वाले हैं
वो आपके दिल वो आपके प्रति अपने दिल में प्यार रखे हुए हैं, तो जो भी वो आपको कह रहे हैं वो तहे दिल से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ताकि आपका भला हो, उनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप दोस्तों के बारे में बात करें तो ऐसे दोस्त जो सिर्फ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं उनके भी दिल में स्वार्थ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं ज़रूर जो आपके बारे में गलत सोच सकते हैं और आपको गलत राय मुहैया करा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके लिए सिर्फ तहे दिल से अच्छा ही सोचते हैं और ऐसे लोगों के प्रति आपके दिल में लगाव है, तो ऐसे लोग जो आपसे कह रहे हैं वो आप करने के लिए इच्छुक बन सकते हैं। और फाइनल कार्ड है आपके लिए क्लियर योर सर्कल। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आ गई है, मतलब कई बार क्या होता है कि हम इसके बारे में अटेंटिव नहीं रहते, हमें पता नहीं होता है कि हाँ सच में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत होती है और हम इसको ईजिली इग्नोर करते हैं। भारत देश जो कहा जाता है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड देश है, यहाँ से सब तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज पूरे वर्ल्ड में फैला है, तो यहाँ पे ज़रूरी है बात करना। जब भी ये बात आती है क्लियर योर सर्कल, तो तब आपका ऑरा या आपके जो सात चक्र हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कहते हैं कि अरे यार मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, मैं अंदर से रो रहा हूँ, बहुत सैड हूँ, मुझे गिल्ट बहुत आ रहा है, तो बहुत तरह की चीज़ हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो चक्र हैं वो अलाइन नहीं है, और जब अलाइन नहीं होते तो कई बार हम बहुत गुस्सा करते हैं, कई बार गिल्ट लेके बैठते हैं या फिर बहुत ही इनसिक्योर बन जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है ठीक से या फिर सब हमारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं। सो ये होता है बिकॉज हमारे जो सात चक्र हैं या हमारे जो एनर्जी सर्कल है या हमारे जो ऑरा है उसमें नेगेटिविटी आ चुकी है, कोई नेगेटिव एंटिटी या एनर्जी उसमें इंटरफेरेंस करती है, तो ऐसे में उस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन जो हमें ईजिली मिल सकते हैं उनके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि रेकी लेना, सात चक्र अलाइन करने के लिए किसी की हेल्प लेना, अपना ऑरा क्लीन करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इधर रीडिंग आज के लिए, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। थैंक यू।